झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम में कृषि सुधार विधेयक से सिर्फ किसानों को ही लाभ मिलेगा। किसानों की आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा। किसानों को उनकी उपज की कीमत सम्मानजनक मिलेगी। बिचौलिया किसानों से दूर रहेंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए मोदी सरकार ने कृषि सुधार विधेयक का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उक्त बातें चक्रधरपुर वन के विश्रामागार में भाजपा के कोल्हान प्रभारी विजय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित कर कही। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के बाद कृषि एवं किसान दोनों सरकार के एजेंडों से बाहर हो गए हैं। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पारित अधिनियमों पर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के विरोध एवं आपत्तियां केवल राजनीति करना है। इन दलों ने पिछले 55 सालों में सत्ता में रहते हुए किसानों के हितों में कुछ भी नहीं किया है। प्रारंभ से ही कांग्रेस ने कानून के नाम पर देश के किसानों को धोखा दिया है। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी ने कहा कि 2013 में स्वयं राहुल गांधी ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्य APMMC अधिनियम से फलों और सब्जियों को बाहर कर देंगे और अब वे खुद APM अधिनियम से बदलाव का विरोध कर रहे हैं। चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि APMC अधिनियम को बदल देगी, किसानों के व्यापार पर कोई कर नहीं लगेगा और अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि कांग्रेस इन अधिनियमों का विरोध कर रही है तो उन्हें देश को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों से झूठ बोला था। इस मौके पर नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रताप कटियार, अशोक दास, इंद्रजीत सामंत, सोमनाथ रजक, दीपक सिंह समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। 2019 का मैनिफेस्टो में घोषणा था, हमारी सरकार अगर बनेगी हम यही विधेयक को लाएंगे किसानों के, जिसको कांग्रेस ने सत्ता में तो आया नहीं। अब सत्ता उसको हाथ से खिसक जाने के कारण उसको तिलमिला रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से किसानों के लिए इतना हित का कार्यक्रम किए हैं और उनका सबसे बड़ा ये एजेंडा था कि किसान की आर्थिक स्तर ऊंचा हो, वह स्वावलंबन हो और देश का विकास, जो अन्नदाता है, और उनको जो भी आपको फसल बीमा हो, किसान सम्मान योजना हो, ये सारी योजना जो है स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट था, जो MPS जो MSP जो देने के लिए, वो नरेंद्र मोदी ने लागू किए, जबकि UPA सरकार में ये कमीशन गठन किया गया था ये समर्थन मूल्य देने के लिए, परंतु कांग्रेस ने कभी नहीं किया। चार चार पीढ़ी उनके परिवार शासन किए, सत्ता पर बैठे, लेकिन कभी किसानों को MSP नहीं दिया गया। और वो इसीलिए 2019 में आया था कि हम कुछ किसानों को लोभा करके उनका वोट लेकर कैसे सत्ता तक काबिज हो जाए, परंतु किसानों का नरेंद्र मोदी प्रति विश्वास था, जो पुनः 2019 का चुनाव में भारी बहुमत से पुनः देश का प्रधानमंत्री स्थापित करें। होर्डिंग बैनर के माध्यम से यह किया जा रहा है, कृषि संयंत्रों का पूजन करके इस प्रकार से किसानों कांग्रेस पार्टी के द्वारा ट्रैक्टरों को जलाकर यह दिखाया गया, अपमानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कृषि संयंत्रों का पूजन कर, सम्मान कर, यह बताने का कार्य किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ जो संयंत्र है, जो उनके हाथ पैर हैं, उनका सम्मान करना चाहती है। और अंत में किसानों के द्वारा, जो किसान समझने के बाद, इस बिल को समझने के बाद जो आशान्वित हैं, जो इसके पक्ष में हैं, उनके द्वारा एक आभार पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बीच जाकर यह बिल को समझाकर उनके द्वारा एक आभार पत्र भी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जा रहा है। जी, इस बिल से अभी जो चुनावी माहौल भी है चल रहा है, इस बिल से क्या लाभ मिलेगा BJP को? निश्चित रूप से यह जो कानून बना है इस देश के प्रत्येक किसानों के लिए लाभकारी, तो निश्चित रूप से लाभकारी योजनाएं बनेंगी तो उसका लाभ जो करने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से चुनाव में उसका लाभ मिलेगा। अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।